स्क्रीनशॉट्स हैं, तो आप भी जो है ना गूगल करके चेक कर सकते हैं इसके बारे में। तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं। देखने में अच्छी दिखती बट पीने में बहुत कड़ी भी रहती, बट ये हेल्पफुल भी वैसी रहती। ये ब्लैक एक्सप्रेसो है, कभी वर्कआउट करते समय 15-20 मिनट पहले अपन पी लिया तो ज़बरदस्त मज़ा आता। और एक जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं थंबनेल पे लिखा के लॉकडाउन के बारे में, सो वीडियो के एंड में बात करेंगे। अभी फिलहाल जो है ना आप इन्जॉय करो जिम ब्लॉग, जो मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन आज डे टू है। इंशाल्लाह ट्राई करूँ अपनी बॉडी को थोड़ा शेप में लेके आने के लिए, शेप में मतलब ऑलरेडी शेप में है बट ऑलरेडी मेरा वेट लॉस हुआ था, सो अभी थोड़ा बहुत गेन करेंगे। आप लोगों भी थोड़ी बहुत नॉलेज दे देता हूँ उसके रिलेटेड। सो आपको मिलता हूँ मैं डायरेक्ट जिम में। अभी मेरे को जाना है, जिम भी करना है, फिर उसके बाद काम भी करना है, बहुत सारे काम है इसके लिए डायरेक्ट। तो भाई अभी जस्ट पहुँच गया जिम, तो आज का जो वर्कआउट करने वाला हूँ, जो मेन बैक वर्कआउट और उसके साथ जो है ना ट्राइज़ अप करने वाला हूँ। तो अभी वीडियो देख के एंजॉय करो, और मेन चीज़ आज उतनी ज़्यादा रश भी नहीं है। सॉरी की चीज़ जो मैं मेन बताने वाला था मैं लास्ट वीडियो में नहीं बता पाया। यहाँ पर के जिम में जो ना एक चीज़ जो बहुत मतलब एक चीज़ यहाँ पर एक रहती कि अगर आप यहाँ पर का प्लान ले लो तो उसके साथ जो ना यहाँ पर का स्पोर्ट वाटर भी इंक्लूड कर ले सकते हैं। वो क्या बेनिफिट रहता, मतलब आपको अगर डिहाइड्रेट होगी आपकी बॉडी तो उस टाइम वो जो ना हेल्प करती। अरे यहाँ पर जो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो मतलब उसको यहाँ से अपन ये लेके पी सकते हैं, मतलब ये अलग वाटर रहेगा। यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ। तो यहाँ लगाने का है तो यहाँ पर लॉगिन करना रहेगा, तो मेरा कोड माना पड़ेगा 2823। उसके साथ बाकी का पासवर्ड नहीं बोलेगा बेटा मैं। सो मेरा फेवरेट जो है ना इसमें से आज ब्लैक करंट लेता हूँ, हमेशा मैं लेमन वाला ही लेता हूँ, ज़्यादा क्या बोलते स्ट्रॉन्ग वाला। तो लेस यहाँ पर आ जाएगा वाटर, तो ये भी इसमें मेरे उसमें इंक्लूडेड है। ये थोड़ा अच्छा रहेगा, बूस्ट मिलेगा अपने को वर्कआउट करते टाइम। तो यही कुछ था आज का, वर्कआउट एंजॉय करो, वीडियो के एंड में आप लोगों से बात करता हूँ।
बहुत मेहनत लगती है वीडियो बना लेते हुए वर्कआउट करना, तो और ऐसा ही वीडियो और चाहिए तो कमेंट करो, इंशाल्लाह बनाने के लिए कोशिश करता हूँ, क्योंकि अकेला हूँ, मेरे साथ और कोई भी नहीं है, और कोई रहते थे तो और अच्छा हो जाता था। थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ अपनी फिजिक्स का भी। देखो जो आज मेन चीज़ पे बात करना है वो घर जाके बात करते हैं। अभी फिलहाल फुल थक गए, हालत फुल टाइट हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून से हुआ वर्कआउट। देखो तो अभी जस्ट घर आया, जो मेन मुद्दे पे बात करना है हमको, पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ वो देख लो, उसका जो है ना हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। पहले ये देख लो, ये कुछ स्क्रीनशॉट्स है तो आप भी जो है ना गूगल करके चेक कर सकते हैं इसके बारे में। तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, बट लॉकडाउन है बोल के सुना रहा था यूके में, बट कोई पार्ट में कोई सिटी में, बट यहाँ पर होने वाला है मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। इसके लिए हो रहा कि मैं लास्ट एक 1 वीक या 2 वीक से सुन लेते आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग भी बोल रहे थे कि लॉकडाउन होने वाला है, बट मैं उसको उतना, हम लोग मैं ही बोल के नहीं, कोई भी उतना सीरियस नहीं लिए थे यहाँ पर। मैं जस्ट यही सोच रहा हूँ कि भाई अगर लॉकडाउन होगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि यार हम लोग देखे वो सिचुएशन जो फैला जब लॉकडाउन हुआ था, रमज़ान चल रहा था उस टाइम, तो सुबह से मैं यही सोचने में पड़ रहा था। और जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वहाँ से, उन लोगों का क्या होगा, तो बेहतर यार कुछ सोचो इसके लिए। बहुत सारे लोग ना खाली बेझिझक जो है ना मैसेजेस कर देते हैं, मेरे को ये यूनिवर्सिटी से ये ऑफ लेटर आ गया, ऐसा ऐसा आया, मैं सितंबर में आना चाह रहा हूँ। यार देखो यार अभी फ़िलहाल ना ऐसी सिचुएशन चल रही, जो गाइस मैं तो यही बोलना चाह रहा हूँ, देखो अगर मैं इतना आप लोगों को हेल्प करने के लिए सोच रहा हूँ, बट जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं सितंबर में, दो लोग मेरे को एक लास्ट एक मेल भी आया था एक लड़की का, वो भी एक लड़की आना चाह रही थी सितंबर या जनवरी इंटेक में, ऐसी सिचुएशन में अगर आएंगे, अगर आप लोगों के पास जॉब नहीं रहेगा तो बहुत बोरो ना बहुत बुरा हाल हो जाएगा यार। आप यहाँ तक कि आपका रूम रेंट भी पे करने के लिए आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, क्यों नहीं समझ रहे, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये लॉकडाउन हो गया ना, तो हम लोगों की भी खुद हम लोगों की खुद का ही भरोसा नहीं है कि हम लोगों का क्या होने वाला है। अल्लाह करे ये लॉकडाउन ना हो, क्योंकि यार बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती है अगर लॉकडाउन हुआ तो। देखते हैं अभी जो है ना नेक्स्ट ट्यूजडे के दिन इसका कंफर्मेशन आने वाला है बल्कि सुनने में आ रही न्यूज़। हम लोग के पास उतना टाइम नहीं रहता, हम लोग ज़्यादा न्यूज़ की तब फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि यार सुबह जॉब जाना रहता, शाम में जिम जाना रहता, फिर यूनी का काम रहता, असाइनमेंट्स चल रहे, फाइनल सेमेस्टर चल रहा, उसके बारे में हम लोग बिजी रहते हैं, तो उतना हमारे पास उतनी कन्फर्मेशन नहीं है। बहुत सारे लोग से सुना मैं, इसके लिए जो है ना आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों तक, शेयर करना चाह रहा हूँ इसके लिए ही। तो बेहतर यही रहता कि देखो यार अच्छा सा मालूमात करके ही आप लोगों को वहाँ से लिख लो, यहाँ पर आने से अच्छा, यहाँ पर आके पछताने से अच्छा वहाँ पर रह के थोड़ा सुकून फील करो यार। ऐसा नहीं है मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, यहाँ मत आओ, ऐसी ये फलाना है, यहाँ पर इतने मुश्किल आते हैं, ऐसा मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करता हूँ। बस यही सजेशन देता हूँ कि यार अभी मत आओ, थोड़ा टाइम लो, 4-5 महीने रुकने से कुछ भी बुरा नहीं होता यार, किसी को कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर आके पछताने से अच्छा घर पर रह के सुकून से घर वालों के साथ रह के सुकून से 1-4 महीने उन लोगों के साथ रह के, जैसे ही हालात एक नॉर्मल हो गए, पहले के जैसा हो गए, आप यहाँ पर आएंगे तो आराम से कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा आपको, अच्छी जॉब मिल जाएगी, और उतना आपको होम सिक नहीं फील होता यार। स्टार्टिंग यहाँ पर आने के बाद ना बहुत होम सिक फील होता। अभी मेरा जो है ना 1 साल होता है सितंबर में, इंशाल्लाह मैं एक अच्छा व्लॉग बनाने वाला हूँ, प्लीज़ वो व्लॉग जो है ना पूरा कम्प्लीटली देखो। मैं उस टाइम में बनाते इस टाइम आप लोगों को सारे डिटेल्स में बताता हूँ मैं क्यों बना रहा हूँ, रीज़न क्या है उसके पीछे, मैं हर डिटेल बताऊंगा, मेरा यहाँ पर का 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा था, क्या है, क्या था, क्या नहीं, हर एक चीज़ शेयर करता हूँ। आप वेट करिए, जो भी मेरे को ये देख रहे हैं, मेरे को जो है ना एक जो लोग आ रहे हैं उन लोगों को मैं हेल्प करना ही बोल के ना ये वीडियो चैनल मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, उस पर ही मैं वर्क कर रहा हूँ। और ये जो वर्कआउट के वीडियोस भी डाल रहा हूँ यार, अब के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर की ठंड में और यहाँ पर काम करने के बाद अपनी बॉडी जो है ना गिव अप दे देती है यार, ज़्यादा काम नहीं कर पाते। अगर आप वर्कआउट में कंटिन्यू रहेंगे तो आपकी बॉडी जो है ना अच्छी से हीट रहती और आप जो है ना आप अच्छा आराम से काम कर सकते हैं, इंटरेस्ट आता काम में और कुछ और भी चीज़ करने के लिए इंटरेस्ट आता, सिर्फ काम घर काम कर रहने के बाद जो है ना आपको स्ट्रेस फील होता है। इसके लिए जो है ना मैं खुद हाल तक मेरी अच्छी खासी फिजिक थी जब मैं यहाँ पर इंडिया से यहाँ आने से पहले,
तो मैं जस्ट रियलाइज करा यार, ये मेरे को ये चीज के पीछे भागने से अच्छा कुछ अपने पे कुछ करना बेहतर दिखा। इसके लिए जो ना मैं जिम स्टार्ट किया, दूसरा एक जिम ये इसके लिए छोड़ा, वो जिम क्यों लिया बोलो, यहाँ पर बहुत भीड़ आ रही। अभी सारे लोगों को समझ में आ रहा कितना इंपॉर्टेंट हो गया आजकल जिम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अपनी हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल। यही आप लोगों को मोटिवेशन करना था मेरा, ये वीडियो के थ्रू ही आप लोगों को समझाना था कि भाई अगर यहाँ पर लॉकडाउन हुआ ना, बहुत बुरा सिचुएशन होने वाला है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर हुआ तो बहुत बुरा होने वाला है, अगर नहीं हुआ ना अल्हम्दुलिल्लाह, अभी धीरे धीरे ना हर चीज़ अच्छी हो रही। अगर गलती से लॉकडाउन हो गया ना, फिर पुराने जैसा हो जाता है यार, सीरियसली पुराने जैसी सिचुएशन होती है। मैं बहुत सारे वीडियोस बताया बनाया लॉकडाउन के टाइम के, अगर आप नहीं देखे तो जाके चेक करो। लास्ट स्टार्टिंग के वीडियोस मेरी लॉकडाउन से ही स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर लोग कैसा पागलों के जैसा लाइन में ठहर के लेते थे हर चीज़, ऐसा नहीं आना है यार, किसी भी हाल में ये चीज़ नहीं आना है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार जस्ट लाइक करो यार, अगर नहीं पसंद आया तो आप कुछ भी कमेंट वॉमेंट करो। मैं किसी को डीमोटिवेट करना बोल के नहीं था, बस मैं एक हेल्प करना था और बस आप लोगों तक हेल्प करा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। जो मेरा मेन जो वीडियो बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह कुछ 10-15 दिन मेरे होते ही 1 साल का हो जाता, उसके बाद जो है अच्छा बैठ के सुकून से उसके बारे में डिटेल में बैठ के बना के आप लोगों तक शेयर करता हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। बाय बाय।